हमने पिछले वाले वीडियो में हमने नाउन के बारे में सविस्तार से हमने पढ़ा। हमने एक लंबी सीरीज बनाई है इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हमने नाउन के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा, नाउन के प्रकार के बारे में पढ़ा, कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा, नाउन और नंबर के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाउन एंड जेंडर। तो अभी हम देखते हैं कि नाउन और जेंडर क्या होता है। तो नाउन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि को हम नाउन कहते हैं। तो जेंडर क्या होता है, देखिए हमने जब ये बात की कि नाउन में व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव आते हैं, तो हमने जब व्यक्ति की बात की तो व्यक्ति के दो रूप हो सकते हैं, या तो व्यक्ति नर हो सकता है या व्यक्ति मादा हो सकता है। तो कैसे जो नंबर जेंडर है वो नाउन को आइडेंटिफाई करता है हम देखते हैं। तो हमने ये रखा है व्हाट इज जेंडर, जेंडर क्या है। द नाउन विच इंडिकेट्स द स्पेसिफिक सेक्स ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड जेंडर। यानी जेंडर वो होता है, वो नाउन होता है जो किसी व्यक्ति का सेक्स बताता है, यानी उसके पुरुष या स्त्री, नर या मादा होने का आभास करवाता है। जेंडर क्या है, ऐसा नाउन जो हमें किसी भी व्यक्ति का सेक्स बताता है वो जेंडर कहलाता है। यानी जो व्यक्ति है वो फीमेल है या मेल है, वो फीमेल है या मेल है, ये हमें कौन बताता है, ये हमें जेंडर बताता है। जैसे मैन और वुमन, जो मैन है वो मेल सेक्स को बताता है और जो वुमन है वो फीमेल सेक्स को बताता है। तो ये हमें नर और मादा होने का आभास करवाता है जेंडर। अब देखिए हम पढ़ते हैं जेंडर के प्रकार, टाइप्स ऑफ जेंडर, कि जेंडर हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला है मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन जेंडर। दूसरा है हमारे पास फेमिनाइन जेंडर। दूसरा क्या है, फेमिनाइन जेंडर। तीसरा है हमारा कॉमन जेंडर और चौथा है हमारा न्यूट्रल जेंडर। तो हमने चारों को लिख दिया है, अब हम ये देख लेते हैं, पहले इनकी वन बाय वन इनकी परिभाषा देख लेते हैं और फिर हम उनके एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो देखिए मैस्कुलाइन जेंडर, जिस प्रकार से मेल में सबसे पहला लेटर एम होता है उसी प्रकार से मैस्कुलाइन में पहला लेटर एम है। तो मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, मैस्कुलाइन जेंडर द नाउन विच डिनोट्स द मेल सेक्स ऑफ ए लिविंग थिंग।
इज कॉल्ड नाउन, सॉरी मैस्कुलाइन जेंडर। ऐसा नाउन जो डिनोट एंड इंगित करता है, बताता है मेल सेक्स, नर सेक्स को बताता है, नर लिंग को बताता है, और ए लिविंग थिंग, जीवित वस्तुएं, विशेष रूप से पर्संस, व्यक्ति, इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर, वो मैस्कुलाइन जेंडर कहलाता है। जैसे मैन, बॉय, ब्रदर, किंग, हॉर्स, बुल, टाइगर एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो है वो मस्कुलाइन सेक्स को बताते हैं, फीमेल सेक्स को बताते हैं, तो हम इन्हें मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो अगला जो फेमिनाइन जेंडर है वो कौन सा है। अगला जेंडर देखते हैं और वो है फेमिनाइन जेंडर। तो फेमिनाइन जेंडर की हम डेफिनेशन देखते हैं, उसकी परिभाषा हम देखते हैं। द नाउन विच डिनोट्स द फीमेल सेक्स ऑफ ए लिविंग थिंग और पर्संस इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। ऐसा नाउन जो डिनोट से बताता है फीमेल सेक्स, जो हमें मादा सेक्स को बताता है या मादा या महिला होने का आभास करवाता है, लिविंग थिंग सजीव जो प्राणी है, और विशेष रूप से पर्सन व्यक्तियों को, और उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। तो फेमिनाइन जेंडर की जैसे एग्जांपल है हमारे पास गर्ल, वुमन, मदर, सिस्टर, काउ एटसेट्रा। तो ऐसे प्रकार के जो हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वो फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो मस्कुलाइन जेंडर है वो हमें नर होने का आभास करवाता है, जबकि जो फेमिनाइन जेंडर है वो हमें महिला होने का या मादा होने का अभ्यास करवाता है, उसके हमने एग्जाम्पल देखे। तो अभी हम अपना अगला जेंडर है वो देखते हैं, कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर क्या होता है? द नाउन विच डज नॉट डिनोट्स सॉरी डिनोट एनी स्पेसिफिक सेक्स ऑफ ए लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? द नाउन विच डज नॉट डिनोट एनी स्पेसिफिक सेक्स ऑफ ए लिविंग थिंग, जो हमें किसी भी लिविंग थिंग या व्यक्ति के हमें सेक्स को नहीं बताता, वो हमें ये नहीं बता सकता। ऐसा नाउन तो हमें ये नहीं बता सकता कि जो नाउन हम यूज और कर रहे हैं वो महिला के लिए यूज होता है या पुरुष के लिए यूज होता है। तो हम उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। और एक स्पेशल बात इसमें यह याद रखने की है कि जो कॉमन जेंडर है वो लिविंग थिंग के लिए ही आ सकता है, वो नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं आ सकता। जिस प्रकार से देखिए, टीचर,
टीचर ऐसा वर्ड है जो हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, महिला के लिए भी और पुरुष के लिए भी। डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा, ऐसे तो नाउन जो स्त्री या पुरुष होने का आभास नहीं करवाते हैं, क्योंकि डॉक्टर वर्ड है वो दोनों के लिए यूज होता है, टीचर है वो दोनों के लिए, लॉयर ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जिनको हम अब आगे देखेंगे कि कौन कौन से कॉमन जेंडर होते हैं। तो अभी हम अपना अगला जेंडर देखते हैं, और अगला जेंडर है और वो है न्यूट्रल जेंडर। ऐसे नाउन द नाउन विच डिनोट्स ए नॉन लिविंग थिंग और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। द नाउन विच denotes a non-living thing, जो हमें निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताता है, यानी ऐसे नाउन जो हमें केवल निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताते हैं हम उन्हें न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। और क्योंकि वह वस्तु निर्जीव है तो उसमें मेल या फीमेल सेक्स होने की तो कोई संभावना ही बनती नहीं है, इसलिए उसको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है फैन, टेबल, मोबाइल, बुक, इंकपॉट एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास नॉन लिविंग थिंग के हैं, और क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा एग्जाम्पल ही नॉन लिविंग थिंग के हैं तो न्यूट्रल जेंडर है वो खूब सारे होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे जैसे कॉमन जेंडर है वो तो अकेले ही होते हैं, उनका किसी दूसरे से कोई मेल नहीं है। न्यूट्रल जेंडर है वो भी अकेले ही होते हैं, उनका किसी दूसरे के साथ कोई मेल नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हम क्योंकि मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर जो है वो एक दूसरे के इंटरचेंज हो सकते हैं, तो कई बार हमें ऐसी परेशानियां का सामना करना पड़ता है परीक्षा के समय कि जब हम कोई अपने विचार व्यक्त करते हैं अंग्रेजी भाषा में तो हम ये दुविधा में पड़ जाते हैं कि इसका फीमेल सेक्स में मीनिंग क्या होगा, इसका मेल सेक्स में मीनिंग क्या होगा। तो हम उनको अभी देख लेते हैं। तो अभी हमने एक सूची बना दी है जिसमें हमने ह्यूमंस जो मानव है उनके बारे में हमने अभी देख लिया है खूब सारा, ताकि हम उनको थोड़ा स्टडी कर लें, और मैंने उसको पहले लिख दिया ताकि हमारा समय बच सके। तो देखिए मैन, जो मैन होता है उसका वुमन महिला, ये हो गया पुरुष और ये महिला, बॉय गर्ल, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, नेफ्यू नीस, नेफ्यू मीन भतीजा, नेफ्यू मीन भतीजा और नीस मीन भतीजी, हस्बैंड पति और वाइफ पत्नी, अंकल चाचा, और हमारे क्योंकि इसके कई मीनिंग होते हैं मामा के लिए भी यही मीनिंग आता है तो हम देख लेते हैं, अंकल आंट, सन पुत्र, डॉटर पुत्री, सर मैडम। तो जो टीचर जो वर्ड है वो हमने पहले भी बात की, वो एक कॉमन जेंडर है, वो महिला और पुरुष दोनों के लिए यूज होता है, जबकि जो सर है वो किसी भी सम्मानित पुरुष के लिए इसका यूज किया जा सकता है, और उसी महिला के सम्मानित महिला के लिए मैडम, मॉम, संन्यासी, पुरुष संन्यासी जो हो उसको मॉम कहते हैं हम, साधु को
नन, कोई महिला सदस्य हो तो उसको हम नन कहते हैं। किंग क्वीन, विडोवर, ए मैन विदाउट वाइफ, बिना स्त्री के पुरुष, या ऐसा पुरुष जिसकी स्त्री मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हो, तो विडोवर, और जिस महिला का पति नहीं रहा हो, जिसका पति ए मैरिड वुमन विदाउट हस्बैंड, तो वो विडो होगी। हृदय के ब्राइड टू दुल्हा, दुल्हा ब्राइड टू क्या हुआ, दुल्हा, और ब्राइड दुल्हन, जेंटलमैन लेडी, जेंटलमैन का क्या हुआ, लेडी। कभी भी मैन का जेंडर जो है वो लेडी नहीं होता है, और कभी भी जेंटलमैन का जो जेंडर है वो वुमन नहीं होता है, क्योंकि मैन का वुमन होता है और जेंटलमैन का लेडी होता है। अब ये हाँ, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि फिर मैन और जेंटलमैन में क्या फर्क होता है। हर व्यक्ति पुरुष एक मैन है, लेकिन हर पुरुष जेंटलमैन नहीं है। जेंटलमैन एक सज्जन व्यक्ति को कहते हैं, तो जो लेडी वर्ड है वो एक सज्जन महिला के लिए काम में आने वाला शब्द है। देखिए फिर लॉर्ड, लॉर्ड के लिए भी हम लेडी, जो लॉर्ड जो वर्ड है वो सामंत वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कई बार ये देवताओं के लिए इस्तेमाल होता है, तो देवताओं के लिए जब इस्तेमाल होता है तो उसका जेंडर लेडी नहीं होता है, तो ये सामंत वगैरह के लिए जब इस्तेमाल होता है लॉर्ड लेडी। प्रिंस राजकुमार, ए सन ऑफ किंग, तो इसका हो जाएगा प्रिंसेज। पोइट, पोइट होगा कवि, कवि जो कविताएं लिखता है, जो कविताओं की रचना करता है, तो इसका हो जाएगा पोइटेस। एक हो गया हमारा हेयर, उत्तराधिकारी, किसी भी व्यक्ति के जाने के बाद जो उसके दौलत को, उसकी संपत्ति का जो रखवाला जो होता है, जो उसकी देखभाल करता है, उसे हम हेयर कहते हैं। तो अगर वो पुरुष है तो हेयर, और महिला हो तो हेयरेस। इसी प्रकार से लेखक, अगर कोई पुरुष लिखने वाला हो तो ऑथर, और महिला हो तो ऑथरेस। हम जब किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हैं, तो हम जिस व्यक्ति के घर में जाते हैं वो हमारा होस्ट होता है, और हम होस्टेज होते हैं, या हम गेस्ट होते हैं। तो होस्ट मेजबान, जिसके घर हम जाते हैं, और हम क्योंकि उसके घर, तो उसकी सॉरी, तो जो हम जिसके घर में जाते हैं तो उस घर का जो पुरुष मालिक है वो होस्ट हुआ, और जो महिला प्रधान है उस घर की वो होस्टेज। इसी प्रकार से एयरलाइन से यह वर्ड काम में आता है, एयर होस्टेज। प्रिस्ट पुजारी, प्रिस्ट मीन पुजारी, तो प्रिस्टेस, प्रिस्टेस यानी महिला पुजारी अगर किसी मंदिर में हो तो प्रिस्टेज होता है वो। शेफर्ड, शेफर्ड होता है भेड़ों को चलाने वाला गडरिया, भेड़ों को चलाने वाला गडरिया। अगर वो पुरुष है तो शेफर्ड, और वो अगर महिला है तो शेफर्डेस। क्या हुआ, शेफर्डेस। और इसी प्रकार से देखिए एक्टर, जो कि अलग अलग कार्यक्रमों में अभिनय करते हैं उसे हम एक्टर कहते हैं, तो एक्टर, एक्टर का हो जाएगा एक्ट्रेस। मास्टर, मास्टर का अर्थ होता है मालिक, मास्टर का मतलब होता है मालिक। तो अगर कोई मालकिन हो, महिला हो, तो मिस्ट्रेस। क्या हो गया, मिस्ट्रेस। इंपरर, एज ए किंग, जैसे राजा होता है उसकी अलग अलग उपाधियां होती हैं, तो इंपरर। तो उसका हो जाएगा इंप्रेस, महिला सम्राज्ञी। ट्रेटर, देशद्रोही, देश के साथ गद्दारी करने वाला,
ट्रेटर, तो इसका हो जाएगा ट्रेटेक, ट्रेटरेस, क्या हो जाएगा ट्रेटरेस, कोई महिला देशद्रोही हो तो। हम जब किसी भी होटल में या किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें वहां वेटर मिलता है, अगर वहां इंतजार करने वाला या खाना परोसने वाला एक पुरुष है तो हम उसे वेटर कहते हैं, और अगर वो महिला है तो वेट्रेस वो होती है। ड्यूक ये इंग्लिश कल्चर का वर्ड है, जो कि इंग्लैंड में ऐसी एक पदवी होती है जो पुरुषों को दी जाती है, सामंत ड्यूक, और महिला हो तो डचेस, महिला हो तो क्या होती है डचेस। हीरो, तो हीरो का हो गया हीरोइन, और महिला नायिका है तो वो हीरोइन, और पुरुष है तो हीरो। मिल्कमैन, देखिए जैसे इसमें हमारे सामने लगा हुआ है मैन, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे सामने हो सकते हैं, मिल्कमैन, वॉशरमैन, फिशरमैन, पोस्टमैन, तो ऐसे जो शब्द होंगे जिनके लास्ट में मैन लगा हुआ होगा तो हम वहां वुमन लगा देंगे, तो इसका हो जाएगा मिल्क वुमन। तो जिस भी शब्द के लास्ट में मैन लगा हुआ हो हम वुमन लगा देंगे। देखिए जैसे मैन सर्वेंट, वैसे हम इसका वुमन सर्वेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक अलग ही मीनिंग होता है मैड सर्वेंट। वैसे मैड एक लड़की के लिए आने वाला शब्द है, तो मैड सर्वेंट। सन इन लो, ऐसे बहुत सारे मीनिंग हमारे पास आ सकते हैं जिनमें आगे इन लगाओ, इन लो लगाओ, जैसे सन इन लो, ब्रदर इन लो, फादर इन लो, तो सभी का जैसे फादर का मदर होता है तो फादर इन लो का हो जाएगा मदर इन लो, ब्रदर इन लो का हो जाएगा सिस्टर इन लो, सन इन लो का जैसे सन इन लो का हो जाएगा डॉटर इन लो, तो इसका हो जाएगा डॉटर इन लो। और ऐसे जैसे मान लीजिए कि स्टेप फादर हो, स्टेप फादर, तो इसी का हो जाएगा स्टेप मदर, और इसी प्रकार से जैसे स्टेप मदर तो स्टेप सिस्टर, स्टेप ग्रैंडफादर तो स्टेप ग्रैंडमदर। गॉड भगवान, इसके दो अर्थ होते हैं भगवान, और जब इसका अर्थ भगवान होता है तो ये परफेक्ट में यूज होता है, जबकि अगर सामान्य देवताओं के लिए इसका इस्तेमाल होता है तो गॉड, तो उस समय इसको हो जाएगा गॉडेस, गॉड एन देवता, गॉडेस यानी देवी। मिस्टर, मिस्टर यानी श्रीमान, किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है तो उसके लिए मिस्ट्रेस, श्रीमती क्या हुआ मिस्ट्रेस, और मेल का फीमेल, तो ऐसे कई शब्द हमारे पास आ सकते हैं। जब हम नाउन के साथ जेंडर को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, और वो ये है कि क्या जेंडर है और वो जो अपोजिट है उसमें क्या डिफरेंस है, जेंडर में और अपोजिट में क्या डिफरेंस है। तो जैसे मान लीजिए कि बॉय का जेंडर क्या होगा गर्ल, और बॉय का अपोजिट क्या होगा वो भी गर्ल होगा। इसी प्रकार से देखिए किंग, किंग का जेंडर क्वीन होगा और किंग का अपोजिट भी क्वीन होगा। वैसे किंग के अपोजिट जो है वो बेगर भी हो सकता है, किंग का अपोजिट क्या हो सकता है बेगर, राजा, रंक, भिखारी। तो अभी हम वीडियो के लास्ट में ये चर्चा करने वाले हैं कि अपोजिट और जेंडर में क्या डिफरेंस होता है, तो अंत तक वीडियो को देखते रहिए। अभी हम कुछ ऐसे नाउंस को देख लेते हैं जो इंसानों के बजाय एनिमल्स के होते हैं, तो अभी हम उनको देखते हैं। हाँ, तो अभी हम और चर्चा कर लेते हैं जेंडर के ऊपर, और अब हम ऐसे कुछ जेंडर देखते हैं जो एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो ज्यादातर जो एनिमल्स हैं वो कॉमन जेंडर के तहत ही आते हैं, और कुछ ही एनिमल हैं और ऐसे एनिमल जो हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं, जो हमारे जीवन में से जुड़े हुए, जैसे पालतू जानवर हैं
उनका दो चार काम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आ सकता है, छोटी एग्जाम में ये विशेष रूप से पूछा जा सकता है। तो देखिए, जैसे बुल है या ऑक्स है, उसका ताऊ हो जाएगा, और इसी प्रकार से जैसे कोक है तो उसका हेन हो जाएगा, उसी प्रकार से जैसे टाइगर है उसका टाइग्रेस हो जाएगा, और इसी प्रकार से जैसे लॉयन है तो लॉयनेस क्या हो जाएगा, लॉयनेस, और उसी प्रकार से जैसे हॉर्स है तो हॉर्स क्या हो जाएगा, मेयर, और इसी प्रकार जैसे डॉग है तो डॉग क्या हो जाएगा, बिच। तो ये थोड़े एनिमल हो गए। वैसे तो एनिमल है उनको ज्यादातर कॉमन जेंडर की कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। जैसे कई बार हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि गोट है उसका जेंडर क्या होगा, तो गोट का गोट ही होगा क्योंकि वो कॉमन जेंडर है, और बफलो का क्या होता है तो ये हमारे दिमाग में आता है कई बार, जैसे ये आता दिमाग में कैमल को क्या कहते हैं, तो कई क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, तो उनका यही है कि वो कॉमन जेंडर है तो वो दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम इसमें कुछ और नियम देख लेते हैं। जैसे कई बार कुछ ऐसे नियम शब्द होते हैं जैसे अर्थ हुआ, नेचर हुआ, मून हुआ, और जैसे कोई आइलैंड हुआ, तो इन शब्दों को क्या है कि ये सुंदरता को दर्शाने वाले शब्द होते हैं, तो इनको फेमिनाइन जेंडर में शामिल कर लिया जाता है। जैसे हम एक सेंटेंस देते हैं, नेचर इज ब्लूजमिंग इन हर वे, प्रकृति अपने रूप में खिल रही है या प्रकृति अपने तरीके से खिल रही है, तो इन हर वे। वैसे नेचर एक न्यूट्रल नाउन है, नाउन है, उसका फेमिनिन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कविताओं में ऐसा मान लिया जाता है कि किसी राष्ट्र के लिए, किसी देश के लिए, तो इनको फेमिनाइन जेंडर मान लिया जाता है। और कई बार ऐसे भी नहीं होते हैं जिनको पावर ताकत के लिए या स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ जो होती है, जो सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको मस्कुलाइन जेंडर मान लिया जाता है। जैसे देखिए द सन या द बम, तो इस प्रकार के जो शब्द है उसे मस्कुलाइन मान लिया जाता है, जबकि वो न्यूट्रल न्यूट्रल ही होते हैं। तो अभी हमने वीडियो के बीच में ये बात की थी कि जेंडर और अपोजिट में क्या अंतर होता है, तो वो हम देख लेते हैं कि जेंडर और अपोजिट में क्या अंतर होता है, और वो अंतर ये होता है, हम एक तरफ लिखते हैं जेंडर और एक तरफ लिखते हैं अपोजिट। ये एक ध्यान से देखने वाली चीज है, क्योंकि सामान्यतः कई बार जवाब हम नहीं दे पाते हैं, तो जेंडर है वो केवल नाउन या प्रोनाउन का ही बनता है। हमारे जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे वर्ब हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ, इंटरजेक्शन हुआ, कंजंक्शन हुआ, प्रपोजिशन हुआ, उनका कोई भी जेंडर नहीं होता है। अगली बात, जैसे अपोजिट ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, सभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनका अपोजिट हो सकता है, अपोजिट नाउन का भी हो सकता है, प्रोनाउन का भी हो सकता है, एडजेक्टिव का भी हो सकता है, एडवर्ब का भी हो सकता है, वर्ब का भी हो सकता है, प्रपोजिशन का भी हो सकता है, कंजंक्शन का भी हो सकता है, इंटरजेक्शन का भी हो सकता है, वो किसी का भी हो सकता है। दूसरी बात, जो जेंडर है वो केवल लिविंग थिंग्स का होता है, जो सजीव है, और सजीवों में भी विशेष रूप से प्राणी है उन्हीं का हो सकता है। ये अपोजिट सभी का हो सकता है, ऑल, ये सभी का हो सकता है, ऑल लिविंग का भी हो सकता है, और ये नॉन लिविंग का भी हो सकता है।
आपने देखा कि अपोजिट और जेंडर में तो मुख्य अंतर है, जेंडर केवल नाउन और प्रोनाउन का होता है जबकि अपोजिट किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हो सकता है। जेंडर केवल लिविंग थिंग का होता है और लिविंग थिंग का भी उन्हीं में होता है, विशेष रूप से प्राणियों का होता है, और अपोजिट वो किसी भी थिंग का हो सकता है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। तो अभी आज हमने इसमें नाउन और जेंडर को पढ़ा, अगले वाले वीडियो में हम एक क्वेश्चन की सीरीज लाने वाले हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन नाउन से संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो एक अच्छा वीडियो होगा जिसमें हर प्रकार के क्वेश्चन को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा कि एग्जाम में एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, कि वो हमारी स्कूल लेवल के एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछ सकता है, वो हमारे कॉम्पिटिशन के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो बैंकिंग में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एसएससी में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्योंकि हमें अपने बच्चों को आगे भविष्य के लिए भी तैयार करना है, तो हम ये देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चनों का एक अलग ही फॉर्मेट हमारे पास होगा जिसमें हम क्वेश्चनों को हल करेंगे, और ये देखेंगे कि कैसे हम उनको हल करें, तो उनकी ट्रिक्स भी हम जानेंगे। तो तब तक के लिए, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लगातार ऐसे ही वीडियो इंग्लिश सीखने के लिए देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो से संबंधित, कोई भूल मुझसे हो जाए या कोई बात आप और बताना चाहते हैं तो वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, तुरंत ही आपको उसका जवाब दिया जाएगा। फिर से एक बार धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।